फ्रेंड्स, नील की रसोई में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आज शाम का बहुत ही मज़ेदार नाश्ता बनाने वाली हूँ। तो बिहार का यह फेमस नाश्ता है, इवनिंग स्नैक्स, ये है चूड़ा, जिसको चुड़वा भी बोलते हैं। और ये मैंने तेल गरम कर ली है, इसमें थोड़ी सी चूड़ा डाल के फ्राई कर लेंगे। शाम को खाने में बहुत ही मज़ेदार लगता है ये नाश्ता, और सबको पसंद है ये नाश्ता। ये हल्का हो गई है, ये भुंजा गया है चूड़ा। बिल्कुल, अब हम इसको निकाल लेंगे। अब ये मटर है, मटर को मैंने छील ली है, ये मैंने निकाल ली है। तो अब हम मटर भूंजेंगे, और ये मैंने प्याज भी कट कर ली है, ये थोड़ी सी हरा प्याज भी था उसको भी मैंने कट कर दी। तेल गरम कर लिए, जीरा डाल दिए, और इसी में एक हरी मिर्च और सूखी मिर्च दोनों डाल दिए हैं। ये मैंने प्याज डाल दिए, सिर्फ 2 मिनट प्याज को भून जाएंगे, और हम इसमें हरे मटर डाल देंगे। इसको भी हम अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए ढक देंगे। फिर से हम इसको चला लेंगे। और हम अब इसमें थोड़ी सी अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। और ये हल्दी पाउडर, और ये धनिया पाउडर, और ये स्वाद अनुसार नमक। अब हम इसको अच्छे से मिला लेंगे। मैंने मिर्ची पाउडर नहीं डाली है, आप चाहें तो मिर्ची पाउडर भी डाल सकते हैं, जितना स्पाइसी चाहे आप। और हम इसको थोड़ी देर के लिए फिर ढक देंगे। फिर से हम इसको चला लेंगे। और ये मटर बिल्कुल तैयार हो गई है, ये थोड़ी सी गरम मसाला मैंने डाल दी है। ये शाम को नाश्ते में खाने में बहुत ही अच्छा लगता है, और ये मटर बनके तैयार है। अब हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे, थोड़ा सा चूड़ा। आप लोग को वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और बहुत ही अच्छे मटर और चूड़ा मैंने भूज के तैयार की है नाश्ता। तो आप लोग, अब हम इसमें थोड़ी सी मिक्सचर डाल देंगे, थोड़ी सी सेव, नमकीन सेव डाल दिए, और हमें इसमें कटी हुई हरी प्याज, हरी मिर्च और धनिया पत्ता से डाल दिए। और अब हम इसमें हरे मटर साइड में डाल देंगे, और बहुत ही मज़ेदार नाश्ता बनके तैयार है। आप लोग भी बनाइए, खाइए, कमेंट में कीजिए कैसा आपको ये नाश्ता लगा।